चीज़ें छुपा के रख ली जाती हैं या मिसयूज होती हैं। बाहर इसको रखने का क्या मतलब है कि क्या इसमें डेड बॉडी भी जाएगी? अगर इसमें पेशेंट नहीं जाएगा तो डेड बॉडी कैसे जाएगी इसमें? कोविड-19 का दौर जैसे ही शुरू हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में तो आ ही गया कि आखिरकार यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आम जनता लगातार परेशान थी, बट नए नए आइडियाज लेकर भी सामने आया। सबसे पहला आइडिया जो सामने आया था वो ये था कि एक स्ट्रेचर जो पूरा का पूरा कवर्ड है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक नया आइडिया और सामने आया, कुछ ऐसा आइडिया जो शायद अच्छा था, सोचा जा सकता था, बट कहीं दूर दूर तक अभी भी नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, वो एक ऐसा आइडिया था कि मोटरसाइकिल ही एम्बुलेंस बन गई हो। इस समय भी इधर ही मौजूद है, बिल्कुल कवर्ड है। ऐसा लगता है कि शायद ही इसको जम्मू कश्मीर की गलियों में भेजा हो, स्पेशली जम्मू की गलियों में भेजा हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस जब होती है तो वो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना कि मॉर्चरी के बिल्कुल सामने। अब इस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शशि जी क्या कहती हैं, चलिए पहले आप ये सुनिए। है लोगों को अगर किसी प्रॉब्लम में है उनको वहाँ से लाने का एक नया आइडिया लेकर सामने आया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस का। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बटोरी, आज कहीं वह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ऐसी किस तरह से देखती हैं? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो एम्बुलेंसेज एक खास पर्पज़ के लिए हमने लाई हैं, ताकि छोटी गलियों में या इनएक्सेसिबल एरियाज में या एक हॉस्पिटल से दूसरे में ले जाने में काम आए। लेकिन हर गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ जो पेपर वर्क है, जब तक वो कम्प्लीट ना हो गाड़ी को सड़क पे उतारना सेफ नहीं समझा जाता, यही एक वजह रही। मतलब अभी मोटरसाइकिल जो एम्बुलेंस आई थी वो भी सेफ नहीं है आम जनता के लिए? बिल्कुल, प्रोसेसेस चल रहे हैं और नियरली कंप्लीटेड। ये एम्बुलेंस एक नहीं थी, ये एम्बुलेंसेस दो थी, पर आखिरकार वो दोनों एम्बुलेंसेस कहाँ हैं? एक तो चलिए नजर आ रही है बिल्कुल मॉर्चरी के सामने, जहाँ पर शायद इसका इंतजाम क्या हो, इसका यूज क्या हो, वो अभी शायद आप लोग समझाएं तो बेहतर होगा। पर अब दूसरी बड़ी बात ये है कि दूसरी एम्बुलेंस कहाँ है? समय सोमना डबगोत्रा जी मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं उनसे ही और जानने की कोशिश भी कि आखिरकार दूसरी एम्बुलेंस कहीं क्या इन्होंने नजर आई है, क्या इन्होंने कहीं देखी है, दूसरी एम्बुलेंस कहाँ है? जी शायद हमसे और मीडिया से छुपा के कहीं पे रखी हुई है, जे भी छुपा के ही रखी हुई है, क्योंकि जहाँ पे इस एम्बुलेंस का कोई काम तो है नहीं। जहाँ पे तो मॉर्चरी है ना, जहाँ पे जे एम्बुलेंस लगाई, क्या जे इन्होंने जे बताया था जब इसकी इनॉग्रेशन बड़ी जोर शोर से हुई थी, लॉन्चिंग हुई थी जब इसकी, कि टू व्हीलर जो एम्बुलेंस है वो हमारे पास जम्मू में आ चुकी है? आज तक वो कहीं भी नहीं थी। ये अपने आप को बड़ा एक अचीवमेंट इसको मान के चल रहे थे। तो ड्राइवरों का रोस्टर तक भी बन चुका था जब एक पहली बार मीडिया में जो चीज़ आई थी, रोस्टर बन चुका था कि कौन कौन सा ड्राइवर कब कब ये गाड़ी चलाएगा, एम्बुलेंस चलाएगा। लेकिन इसके लिए एम्बुलेंस, ये वाली एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर भी शायद नहीं मानते, क्योंकि ये बड़ा अनसेफ है, क्योंकि ये बारिश में जे नहीं चलेगी, सर्दी में जे नहीं चलेगी, गर्मियों में जे नहीं चली, जे फिर कब काम आएगी, किसके काम आएगी? ये तो इनको जो इतने लाखों रुपये का प्रोजेक्ट होगा, जो इनको सामान दिया होगा बाकी भी, लेकिन यह है कि इन्होंने रिक्यूशन दी होगी ना, तो इनको रिक्यूशन वो देनी चाहिए थी कि जो इनके इस्तेमाल में गाड़ी आए। ये दो गाड़ियां अगर इनको आई हैं तो अगर एक ही देते, एम्बुलेंस देते प्रॉपर, उसका बेनिफिट लोगों को मिलना था, जो इनकी वजह से नहीं मिला। इनके अंदर ये अलग अलग हो जाएगी, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल अलग हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल किसी और भी ही काम आएगा, जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने दिया था वो उसका वो इस्तेमाल नहीं होगी वो चीज़। तो ये मर्चरी के बाहर इसको रखने का क्या मतलब है कि क्या इसमें डेड बॉडी भी जाएगी? अगर इसमें पेशेंट नहीं जाएगा तो डेड बॉडी कैसे जाएगी इसमें? और अटेंडेंट कहाँ पे बैठेंगे? अगर पेशेंट भी लेके जाएंगे अटेंडेंट कहाँ पे बैठेगा? तो ये एक सवाल ये निशान है कि ये जो काम करते हैं ना, जब इसकी लॉन्चिंग इनॉग्रेशन होती है तो बड़ी जोर शोर से करते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, फिर ये चीज़ें छुपा के रख ली जाती हैं जहाँ मिसयूज होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, स्ट्रेचर साथ में है, और सबसे बड़ी बात हॉन्क भी साथ में लगा हुआ है ताकि बजे और जो लोग हों रास्ता निकालें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का ये कहना है कि ये इसलिए लाई गई ताकि जितनी भी छोटी छोटी गलियाँ, क्योंकि जम्मू में छोटी छोटी गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एम्बुलेंस को लाया गया था। पर अभी तक ये एम्बुलेंस जिस तरह से यूज़ होनी चाहिए थी अभी तक यूज़ नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि आखिरकार सर्दियां हो, गर्मियां हो या बारिश हो, स्पेशली बारिश में इस एम्बुलेंस का उपयोग क्या होगा,
क्या अब भी ये इसी तरह से ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल कवर्ड, और अगर एक यहाँ पर है तो दूसरी कहाँ पर है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, इसका जवाब भी लिया जाएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।